किस तरीके से कुछ ताकतवर लोगों ने, किस तरह के ताकतवर लोगों ने किस तरह के दुकानदारों को फ़ायदा पहुंचाया और सरकार को उसकी वजह से कैसे नुकसान पहुंचाया, इसका ब्यौरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये ब्यौरा मैंने सीबीआई को भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसकी जांच करें कि किस तरह से सरकार को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ दुकानदारों को फ़ायदा पहुंचाया गया सरकार द्वारा पास पॉलिसी में फेरबदल करके, इनडायरेक्ट तरीके से फेरबदल करके। इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले नई एक्साइज पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें जो इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके सामने दोहरा देता हूँ। वैसे आपको पता है, आपको जानकारी है कि सरकार ने 2021 में मई के महीने में नई एक्साइज पॉलिसी पास की थी, कैबिनेट ने इसको पास किया था। मई 2021 में पास नई एक्साइज पॉलिसी में हमने लिखा था कि पहली पॉलिसी, जो पुरानी पॉलिसी थी, उसमें 849 दुकानें होनी थी, तो इसमें भी लिखा गया था कि पूरी दिल्ली में दुकानों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी बल्कि 849 ही रहेगी, पहली पॉलिसी के बराबर ही रहेगी। पहली पॉलिसी में 849 दुकानें बहुत अनइवन तरीके से बटी हुई थी, किसी किसी वार्ड में 20-20, 25-25 दुकानें थीं तो कहीं बिल्कुल नहीं थी। कई ऐसे मॉल्स थे जहाँ पर 10-10, 15-15, एक जगह तो शायद 20 दुकानें थी एक मॉल में, कई जगह मार्केट्स में बिल्कुल दुकानें नहीं थीं। इसलिए नई एक्साइज पॉलिसी में एक प्रिंसिपल रखा गया और बहुत हाईलाइट करके रखा गया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉप्स रहेगा, दुकानें नहीं बढ़ेंगी लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, लगभग लगभग बराबरी से बांटा जाएगा पूरी दिल्ली में, ताकि कहीं हुज ट्रेजेडी ना हो, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये एक पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था। मई 2021 में ये पॉलिसी पास करके, कैबिनेट से पास करके एलजी साहब के पास मंजूरी के लिए भेजी गई। इस पॉलिसी को मंजूरी देने से पहले एलजी साहब ने पूरी पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसमें कई महत्वपूर्ण और बड़े बड़े सजेशन दिए कि इसमें ये परिवर्तन कर दो, ये परिवर्तन कर दो, इस तरह का बदलाव करो। एलजी साहब के सारे सजेशंस को स्वीकार करके कैबिनेट ने फिर से जून में नई पॉलिसी एलजी साहब के पास भेजी और इस तरह से फिर उसको एलजी साहब ने मंजूरी दी। तो एलजी साहब के पास दो बार जाके बहुत ध्यान से पढ़ के उन्होंने इस पॉलिसी को पास किया था। उस पॉलिसी में यही लिखा हुआ था, जगह जगह जोर देके, कि अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को ख़त्म किया जाएगा। ये जो एक ही जगह शराब की दुकानों के अंबार लगे हुए हैं कुछ वार्ड्स में या कुछ मॉल्स में, दुकानें नहीं बढ़ाई जाएंगी लेकिन इसको लगभग लगभग बराबरी पर बांटा जाएगा, यहाँ तक कि अनऑथराइज एरिया में भी बांटा जाएगा, ये भी लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था कि हर वार्ड में दुकानें तो नहीं बढ़ेंगी पूरी दिल्ली में, लेकिन हर वार्ड में लगभग लगभग 2 से 3 दुकानें हो जाएंगी, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैं पॉलिसी की वो लाइन भी आपको दे दूंगा, उसमें साफ साफ था कि इक्विटेबल प्रिंसिपल पे काम करेगी और पूरी दिल्ली में लगभग लगभग बराबरी पे दुकान बांटी जाएंगी इंक्लूडिंग अनऑथराइज्ड एरियाज। तो जब ये एलजी साहब ने बहुत सारे सजेशन और दिए पॉलिसी में चेंज करने के और बहुत ध्यान से पॉलिसी पढ़ी थी, उस समय न तो एलजी साहब ने आपत्ति की कि अनऑथराइज एरियाज में शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, ना उसका बदलाव, ना उन्होंने कोई आपत्ति की, ना उसमें कोई बदलाव का सुझाव दिया, बल्कि मंजूरी दी। दो बार पॉलिसी को पढ़ के मंजूरी दी, काफ़ी ध्यान से पढ़ के मंजूरी दी। और जब एलजी साहब से मंजूर करा के उस पॉलिसी के तहत टेंडर किए गए और सरकार के अनुमान से लाइसेंसीज ने 25% ऊपर रख के लाइसेंस लिए, तो जब दुकानें खोलने की फाइलें एलजी साहब के पास गई तो वहाँ एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया। पहले जब पॉलिसी में गया कि अनऑथराइज कॉलोनी में भी दुकानें खुलेंगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस समय एलजी साहब ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, पॉलिसी पास की, सारे रूल्स पास किए, सब कुछ पास किया। लेकिन जब दुकानें खुलने की फाइल एलजी साहब के पास पहुंची तो वहां पर एलजी ऑफिस में कुछ बदलाव हुआ, एलजी ऑफिस ने अपना निर्णय बदला। यहीं पे इसकी सारी जड़ है कि किस तरह से नुकसान हुआ। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दुकानें खुलने के प्रस्ताव नवंबर के महीने में एलजी साहब के पास पहुंचे, क्योंकि 17 नवंबर से दुकानें खुलनी थी। नवंबर के पहले हफ्ते में एलजी साहब के पास प्रस्ताव भेजे गए, 17 नवंबर से दुकानें खुलनी थी इंक्लूडिंग अनऑथराइज एरियाज,
तो एलजी साहब ने उस समय 15 नवंबर को यानी ठीक दो दिन पहले एक नई शर्त लगा दी कि अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने के लिए डीडीए और एमसीडी की मंजूरी लेनी चाहिए। पहले जब पॉलिसी पढ़ी थी तब नहीं लगाई, उनके सुझावों पे पॉलिसी दोबारा पास होके गई तब नहीं लगाई, बल्कि ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है जानना कि अनऑथराइज एरिया में एक्साइज पॉलिसी के तहत दुकानें खुलती रही हैं, दिल्ली में हमेशा दुकानें खुलती रही हैं, हर साल खुलती रही हैं और एलजी साहब की मंजूरी से खुलती रही हैं। 2015 से मैं देख रहा हूँ, मैंने उससे पहले की भी फाइलें देखी हैं, 2015 से भी पहले दसों साल की फाइलें देखी हैं, हर साल एलजी साहब के पास अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलने की फाइल जाती थी और एलजी साहब उसको अप्रूव करते थे। जब पॉलिसी में लिख के गया कि अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलेंगी उस वक्त भी उसको अप्रूव किया, लेकिन बाद में जब फाइलों के पे अप्रूवल गया दुकानें खोलने के लिए उस वक्त एलजी ऑफिस अचानक अपना स्टैंड चेंज करता है और कहता है कि इसके लिए डीडी और एमसीडी की मंजूरी ले लें। एलजी साहब को भी पता था कि ये मंजूरी डीडीए और एमसीडी से नहीं ली जाएगी बल्कि राज्यपाल उपराज्यपाल महोदय के ऑफिस से होनी है, हमेशा की तरह से जैसे पहले होता रहा था। लेकिन उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक तरीके से एक नई कंडीशन इसमें लगाई, पूरा का पूरा स्टैंड चेंज किया उस पॉलिसी में जो डिपार्टमेंट ने तैयार की थी उस वक्त नहीं था, जब कैबिनेट ने पास की थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने पढ़ी थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने जब मंजूर किया उस वक्त नहीं था। अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया और इस स्टैंड चेंज होने की वजह से दिल्ली में अनऑथराइज एरियाज में दुकानें नहीं खुल पाईं, पुरानी पॉलिसी के तहत जहाँ पर दुकानें खुल रही थी वहाँ भी नहीं खुल पाईं और उसका नुकसान ये हुआ कि जो नए लाइसेंसीज थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इनसे जो अनऑथराइज वार्ड्स हैं उनका लाइसेंस फीस न ली जाए, उनको रिबेट दी जाए, उसमें उनको रिलैक्स किया जाए लाइसेंस फीस प्रोरेटा बेस पे, और इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये पूरा इंसिडेंस आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी जो सरकार ने बनाई थी उससे सरकार को बहुत फ़ायदा होने वाला था, लेकिन उसके उलट सरकार को के राजस्व को नुकसान पहुंचा, हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा, क्योंकि एलजी साहब ने अपना निर्णय बदला, बिना कैबिनेट से डिस्कस किए बदला, बिना सरकार से पूछे बदला, और उन्होंने बदल के उसको लागू करने के लिए ऑर्डर किए जिसकी वजह से दुकानें नहीं खुल पाईं और लगातार नुकसान हुआ। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है समझने वाली कि जब एलजी साहब ने ये बिना कैबिनेट से डिस्कस किए, बिना सरकार से डिस्कस किए अपना निर्णय बदला और पहले से मंजूर, अपने से ही मंजूर पॉलिसी को अपने ही लेवल पे बदलने की कोशिश की और जब दुकानें नहीं खुल पाईं, तो कुछ लोगों की तो दुकानें नहीं खुल पाईं लेकिन कुछ की खुल गईं, और जिन लोगों की खुली, क्योंकि दिल्ली में तो पहले ऐसे शराब बिक रही थी, जिन लोगों की दुकानें खुली उनको करोड़ों रुपये का फ़ायदा हुआ, हज़ारों करोड़ रुपये का फ़ायदा हुआ, जिन लोगों को अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उनकी नहीं खुली, और जिनको अनऑथराइज एरिया में मिला था उनकी दुकानें खुल गईं, इससे जानबूझ के उनको फ़ायदा पहुंचाया गया ताकि कुछ वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचे और कुछ को नुकसान पहुंचे। मैंने आपके सामने इसलिए रखा, मैं इसीलिए इस मामले को पूरे को सीबीआई के सामने भेज रहा हूं कि इस मामले की जांच होना बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट से, सरकार से पास प्रस्ताव जो एलजी साहब ने पहले मंजूर कर दिया था उसको स्टैंड पर उन्होंने चेंज क्यों किया। वर्षों से पुरानी पॉलिसी में भी जिस तरह से दुकानें अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस से मंजूर होती आई थीं, अचानक एलजी ऑफिस ने अपना स्टैंड चेंज करके, एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज करके उन दुकानों को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जिनकी दुकानें खुल गई थीं, इससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ, जबकि सरकार ने उनको लिख के भी दिया कि आपका जो ये स्टैंड है इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया बल्कि डीडीएवीसी की एक कमेटी बनाई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और अंततः सरकार को उस बीते वित्त वर्ष में हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये आज अगर निर्णय बदला नहीं होता तो सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए मिलते, निर्णय बदलने से सरकार का भी हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ और उन दुकानदारों का जिनकी दुकानें खुल गई थीं, जिनके पक्ष में ये फैसला गया, उनको हज़ारों करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो 48 घंटे पहले ये फैसला क्यों बदला गया, इनसे किन किन दुकानदारों को ज़्यादा फायदा हुआ और एलजी साहब ने ये निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में लिया,
और इसके बदले किस किस को कितना फ़ायदा पहुंचा, इन सारे प्रश्नों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस पर निष्पक्षता से जांच करेगी। सर ये पहले क्यों नहीं आप लोग लेकर के आए? नहीं, ये अभी सारा मैंने फाइलें देखी है ना, एनालिसिस किया है। वो अलग मसला है, वो तो कोविड के दौरान रिलीफ दिया जिसमें कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं इस संबंध में। ये सरकार को जो रेवेन्यू मिलना था वो रेवेन्यू सरकार को नहीं मिला, सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, वर्षों से चला आ रहा स्टैंड अचानक चेंज कर लिया, नई पॉलिसी में अप्रूव जिस स्टैंड को किया उन्होंने वो स्टैंड चेंज कर लिया और अचानक दुकान खुलने से दो दिन पहले स्टैंड चेंज कर लिया। कारण बताया कि क्यों नहीं, नहीं। और ये एमसीडी और डीडीए वाला मैटर क्यों लेकर के आए, इसको बताया नहीं? यही तो जांच होने का विषय है कि अचानक ऐसी शर्त लगा देना जो पहले पॉलिसी में नहीं थी, उससे पुरानी पॉलिसी में भी जब अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलती थी वहाँ भी नहीं थी, फिर ये अचानक एक दो दिन पहले नई शर्त किसके दबाव में आई? ये जो पुराने वाले कितनी दुकानें नहीं खुल पाई जिससे आइडिया लगेगी? मेरे ख्याल से करीब 300-350 दुकानें नहीं खुल पाई। बीजेपी आरोप लगा रही है असली भ्रष्टाचार वहां हुआ जहां ये निर्णय चेंज हुआ, किसके दबाव में हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की क्या भूमिका थी, इसमें किन लोगों की भूमिका थी, जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा था उनकी क्या भूमिका थी, इसकी सबकी जांच होनी चाहिए। अनिल बैजल से पूछताछ होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो जो लोग भी वहां डिसीजन ले रहे थे सबसे पूछताछ होनी चाहिए। सर एलजी हाउस के द्वारा ये कहा गया कि फर्स्ट क्वार्टर में 2022-23 में इतना करोड़ का नुकसान हुआ इस नई पॉलिसी का, आप लोग अभी तक ये कहते हैं कि इससे फायदा होगा, आप ये कह रहे हैं कि वो नुकसान जो हुआ था वो सिर्फ इस एलजी के इस फैसले की वजह से हो रहा है। अगर एलजी ऑफिस ने अपना निर्णय नहीं बदला होता तो सरकार को कई गुना फायदा हो रहा था, हालांकि पिछले वर्षों के मुकाबले फिर भी इस एक्साइज पॉलिसी में फायदा हुआ, लेकिन नुकसान तो सरकार को हुआ। कंपैरेटिव आप देखेंगे पिछले वर्ष के मुकाबले तो इस पॉलिसी में फायदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस का निर्णय दो दिन पहले बदलता है, उसकी वजह से कुछ दुकानें नहीं खुल पाती और जो दुकानें खुल पाती हैं उनको उसका प्रत्यक्ष फायदा मिल रहा है, तो किसको फायदा पहुंचाया गया ये साफ है। ये स्टैंड क्यों बदला इसकी जांच होनी चाहिए, ये होने नहीं चाहिए था जब पहले नहीं हुआ कभी, हमेशा पुरानी पॉलिसी में भी अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलती रही हैं, मैंने खुद भेजा है और मैंने फाइलें देखी हैं, 3 एलजीज के समय पे लगातार फाइलें हर साल की मैंने देखी हैं, हर साल उसको मंजूरी मिलती रही है बिना इस शर्त के, ये पहली बार शर्त लगाई गई और वो भी दुकानें खुलने से दो दिन पहले। सवाल तो ये बनता है कि उस समय आप लोगों ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया था जब भी नहीं हमने किया है उस समय पे हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया हुआ है, तभी तो हमने सरकार को सरकार ने उनको लिख के भेजा साहब इससे नुकसान हो रहा है, उसके बाद उन्होंने डीडीए की कमेटी बनाई जिससे कुछ नहीं निकला। सर मेन आपका ये है कि एलजी ने फैसला क्यों बदला, किसकी जांच? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर एक दूसरा मुद्दा दिल्ली में कोविड के कोरोना सर इंपॉर्टेंट है, सर केसेस बढ़ गए, सर डिमांड हो रही है कि फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, बीजेपी से एलिगेशन लगा रही है। नहीं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन जिस तरह का इसका अभी वायरस है उसकी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लोगों को हो रहा है, अब धीरे धीरे कोविड उस स्थिति में पहुँच गया है जहाँ सामान्य ज़िंदगी में कोविड है, और इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है, लेकिन सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हुई हैं कि अगर और बढ़ता है तो उस पर तुरंत फैसले लिए जाएंगे। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।